तो फिर बल्ब जल गया, करंट हो जाएगा। व्हाट यू विल सी कि दोनों के मर्जी से ही बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। इसमें से कोई एक भी अगर चाह लेगा तो बल्ब को ऑफ नहीं करने। इफ देयर आर 50 इनपुट्स एंड 49 ने जीरो कर रखा है, एक तो बदमाश है, वो लाइक ना हम तो ऑन ही रखते हैं, तो पूरे हॉस्टल में सब जगेगा, बल्ब क्या होगा, जले। तो पूछा जाए वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें लो तभी होगा जब सारा इनपुट लो हो, अदरवाइज हाई मिलेगा, वो कौन सा लॉजिक गेट होगा, और होगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आइए कि इसका डायोड एनालॉजी क्या होगा, हाउ इट इज मेड अप ऑफ डायोड, इसका डायोड एनालॉजी बताइए। तो डायोड को समझने के लिए पहले इसको नोट कीजिए, कुछ जगह बनाएंगे हम यहां। बढ़े आगे, अगर हम इसके अब डायोड एनालॉजी की बात, डायोड एनालॉगी अभी तक मेडिकल में नहीं पूछा, इंजीनियरिंग में आ चुका है, इसलिए मेडिकल में कभी भी पूछा जा सकता है। और गेट का डायोड एनालॉगी पहले रुक जाइएगा, देखिएगा, पहले हम चेक कर लेंगे कि हमने जो बनाया वो सही बनाया है कि नहीं। मान लीजिए ये हमने इनपुट लिया कि जीरो है वोल्ट है मतलब लो है, और इधर प्लस 5 वोल्ट है मतलब ये 1 क्या है 1, और यहां पे मेरे को आउटपुट ले रहे हैं हम वाई, क्या ले रहे हैं आउटपुट वाई। अगर हमने पहले केस में ए को जीरो पे बी को जीरो पे रखना है, ए को जीरो बी को जीरो, तो अगर हमने ए को जीरो पे रखा और बी को भी जीरो पे रखा, इधर से भी जीरो वोल्ट, इधर से भी जीरो वोल्ट, और इधर ग्राउंडेड है, जीरो वोल्ट, नो बायसिंग, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वाई का पोटेंशियल भी क्या मिलेगा, जीरो। डायोड को थोड़ा पलटिए, डायोड को पलट दीजिए,
अभी भी क्या रहेगा, इधर से जीरो, इधर से जीरो, इधर से भी जीरो, इधर से भी जीरो, नो बायसिंग, कोई करंट फ्लो नहीं, तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां पे अपीयर होगा, दैट इज ए जीरो बी जीरो, तो वाई भी जीरो। सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस कहता है ए को जीरो रखिए, बी को वन, ए को जीरो ही रहने दीजिए, और बी वाला जो टर्म है ये ए है और ये क्या आपका है बी, ए को जीरो ही रखिए और बी को वन कर दीजिए, वन मतलब हाई से, तो इधर आपका प्लस फाइव वोल्ट हो जाएगा, और ये डायोड का नो बायसिंग, लेकिन ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा, तो फॉरवर्ड बायस में इट बिहेव्स लाइक अ वायर, और अब जो वाई है वो किससे कनेक्टेड है, ध्यान से देखिए प्लस फाइव, तो जो प्लस फाइव वोल्ट यहां है वही चल के यहां आ जाएगा प्लस फाइव वोल्ट, मतलब हाई हो गया। तो अगर ए जीरो है बी वन है तो बी के वजह से वाई भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एंड इट्स वाइस वर्सा, ए जीरो बी वन, अब ए वन ए को वन पे लगाई और बी को जीरो पे ले जाइए, तो ये जीरो हो गया, तो यहां पे जीरो वोल्ट, मतलब ये नो बायसिंग, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये प्लस फाइव से जुड़ा है, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, अब ये वाला कंडक्टर बन जाएगा, ये फिर वाई से कनेक्टेड है, फिर वाई फाइव वोल्ट हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट फाइव वोल्ट से कनेक्टेड है, तो ये वन मिला, एंड द फोर्थ कंडीशन, अगर दोनों को वन से कनेक्ट कर दीजिए तो दोनों वन हो गया, दोनों फॉरवर्ड बायस हो गया, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी दोनों वायर, और दोनों वायर वाई से कनेक्टेड है, तो वाई का पोटेंशियल वही कर देगा, मतलब हाई मिलेगा। आपसे नीट में क्या पूछेगा, ये सर्किट डायग्राम पहचानिए, ये सर्किट डायग्राम कौन से लॉजिक गेट का है, और ये तो शुरू में रटना ही पड़ेगा, बाद में चल के आप देख लीजिएगा, ए और बी एंड दिस वन इज वाई, और ये जो लॉजिक गेट है आपका वही लॉजिक गेट क्या है आपका, एक और लॉजिक गेट है, और में हल्का घुमा हुआ रहता है, दिस इज और गेट, तो और गेट इज मेड अप ऑफ two diodes like this, and this is called diode analogy of OR gate. Clear hai? And the last is waveform. Waveform mein hum input ke corresponding output dekhte hain. Do input hai aur ek output hai. To hum ek input waveform A dikhayenge, dusra input waveform B dikhayenge. और यहां मुझे आउटपुट मिलेगा क्या, वाई। यहां पे टाइम इंटरवल है, पहले टाइम इंटरवल में जीरो रखा गया, दूसरे में जीरो, तीसरे में वन, चौथे में वन, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स है, यहां देखिएगा ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हम दिखा देते हैं, ये टाइम का इंटरवल है, मान लीजिए ये जीरो है, ये टी वन है, ये टी टू है, ये टी थ्री है, ये टी फोर है, तो पहले टाइम इंटरवल में ए को क्या रखा गया, जीरो, मतलब लो, दूसरे टाइम इंटरवल में भी ए जीरो, तीसरे टाइम इंटरवल में वन मतलब हाई, चौथे टाइम इंटरवल में हाई वन, मान लो करस्पॉन्डिंग कुछ प्लस फाइव वोल्ट होगा, और या तो लो मिलेगा या तो हाई मिलेगा, या तो जीरो वोल्ट या तो पांच वोल्ट, साढ़े चार वोल्ट इसमें नहीं मिलता, ठीक है। बी का फर्स्ट टाइम इंटरवल में जीरो, दूसरे में वन, इसमें जीरो, दूसरे में वन, तीसरे में फिर जीरो, और चौथे में वन, कभी कभी आपको ये दोनों दे देगा और कहेगा वाई बताइए क्या होगा अगर ये और गेट है, इट्स वेरी सिंपल, जीरो 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 वन 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 जीरो वन एंड वन वन वन, तो ये बनाना तो बड़ा आसान है, कभी कभी आपको ये फिगर दे देगा वेव फॉर्म, कहेगा बताइए कौन सा लॉजिक गेट है, आपको करना कुछ नहीं है, ए बी वाई लिख देना,
ए बी वाई लिख देना, और ये अपने मन से लिख देना, 0001 1011। कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह से ये सिस्टमेटिक हो, कोई आगे आ सकता है कोई पीछे, आपको लिखना चाहिए 0001 1011। ये चारों कंडीशन अगर आपको मिल जाएगा तो आप डिसाइड कर लोगे कौन सा लॉजिक गेट है। इसमें से खोजना कहां पे 00 है, तो यहां पे 000 है और यहां देख रहे हैं तो ये तो 0 है, तो अपने टेबल में लिख लेंगे। यहां जैसे ए लिखे, ये बी लिखे, ये वाई लिखे, 00011011 चार कंडीशन, 00 खोजना है, 00 यहाँ क्या मिला, 0 लिख देंगे। दूसरा कंडीशन 01, इसमें खोजेंगे ये 0 और ये 1 है, यहाँ पे क्या मिला 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 10, ये 1 है ये 0 है, यहाँ क्या मिला 1, यहाँ 1 लिख देंगे। 11 11 यहाँ है, यहाँ 1 है। अब जोर के देख कौन सा गलत है, ऑर्गेट में सिर्फ 11 1 लिखते हैं और उसके बाद हम बता देंगे कि दिस इज विच काइंड ऑफ लॉजिक गेट। नोट इट डाउन। You can take. कोई जरूरी नहीं है, यूट्यूब पे क्वालिटी कम अच्छी आती है। नहीं अच्छा, रिकॉर्ड होने के बाद क्वालिटी ठीक हो जाती है। ओके, मतलब प्रोसेस कर लेता है वो, है ना। बड़े तो और गेट हो गया, now the next logic gate is AND gate. AND, AND gate. This is second type of logic gate.
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंबल की, एंड में डी है ना, डी एंड का जो डी है और में जो कर्व था और इसमें सीधा दिखाएंगे ए बी एंड वाई, दीज आर द इनपुट्स एंड दिस वन इज आउटपुट. इट इज हाउ मेनी इनपुट इट हैज, इट हैज टू और मोर देन टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट. लिख लीजिए इट हैज टू और मोर देन टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट. बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिकल रिलेशनशिप, वाई बराबर ए इंटू बी, वाई बराबर ए इंटू बी, इनपुट एंड आउटपुट आर लॉजिकली रिलेटेड एज वाई बराबर ए इंटू बी. नेक्स्ट इज ट्रूथ टेबल, ए बी और वाई, चार कंडीशन, कौन कौन सा, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन. If we will write 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0, 0 and 1 into 1, 1. In mathematical relationship nahi hai, kaun sa relationship hai? It is based on logical relationship. Iska agar hum electrical equivalent dikhaye samjhane ke liye. कि हाउ यू अंडरस्टैंड. तो यहां पे दो स्विच है ए और बी, दो बेड लगा हुआ है, दोनों स्विच उसके सामने है, दो रूम पार्टनर है, दोनों के रूम में एक बल्ब है, दोनों के बेड के सामने एक एक स्विच लगा हुआ है और एक ही बल्ब है कमरे में. यहां से दिया गया और बल्ब से आउटपुट निकलने वाला है. चलिए देखते हैं. दोनों को सोने का मन किया, ए जीरो बी जीरो, इसने भी ऑफ रखा, इसने भी ऑफ रखा, बल्ब भी ऑफ है, नहीं बल्ब भी क्या है ऑफ है, ए लो बी लो तो वाई भी लो. अब दोनों में हो गया झगड़ा. ए जीरो बी वन, ए ने कहा हम सोएंगे जीरो, बी ने कहा नहीं हम पढ़ेंगे, लो बल्ब जलेगा, रास्ता ही नहीं है. बल्ब जीरो ही रह गया, बल्ब जला ही नहीं. फिर बी वाले को सोने का मन किया, ए वाले ने ऑन किया, वन जीरो, बल्ब फिर नहीं जला, फिर जीरो. दोनों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, दोनों में सुलह हुआ कि चलो ठीक है, नुकसान दोनों का है. दोनों ने मिल के ऑन किया, बोलिए करंट का फ्लो हो जाएगा ना, और बल्ब क्या होगा जलेगा, और फिर से क्या हो जाएगा वन. तो कौन सा लॉजिक गेट है वो जिसमें जब सारा इनपुट हाई रहेगा तभी आउटपुट हाई मिलेगा, एंड गेट. इफ इट हैज 50 इनपुट्स और 49 जिसमें से वन है, एक भी अगर जीरो रहा तो सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा. नंबर फाइव, डायोड एनालॉगी. डायोड एनालॉगी, हाउ इट इज मेड अप ऑफ यूजिंग डायोड्स. How it is made up of using diode? थोड़ा सा ध्यान से देखना, हेडफोन भी लगा सकते.
पहचानना भी हम कौन सा लॉजिक गेट बना रहे हैं, डायोड एनालॉग। कौन सा लॉजिक गेट है बताओ, किसका डायोड एनालॉगी? पक्का कि भूल गए? देख लीजिए, इधर घुमा हुआ था या इधर घुमा हुआ, किसका है बताओ? और का है? कंफ्यूज नहीं हुई, फिर से देख लीजिए, और ही का है। बनाना क्या है मुझे? एंड बनाना है। तो क्या चेंज करेंगे कि इसमें एंड बन जाएगा? डायोड को पलट दे, डायोड को पलट दे, उल्टा लगा ले इधर से, यहां भी डायोड को क्या कर दे, पलट दे, यही चार ऑप्शन रहेगा उल्टा पलटा करके। और यहां पे एक बैटरी और जोड़ लीजिए, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। क्या क्या चेंजेस किया हमने? डायोड जोड़ा और एक बैटरी जोड़ दिया यहां। अब हमने कहा कि ये जो लॉजिक गेट है वो कौन सा लॉजिक गेट है, ए और बी और ये वाई एंड है। अब ये कैसे एंड है उसकी अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, पहले केस में ए को जीरो बी को जीरो, तो यहां पर मेरे को कुछ इनपुट लेना पड़ेगा। चलिए मैं ले लेता हूं इनपुट, मान लीजिए ये जीरो वोल्ट है, ये प्लस फाइव वोल्ट, ये वन है, ये जीरो है। पहले केस में ए भी जीरो बी भी जीरो, ए को भी जीरो से कनेक्ट करो और बी को भी जीरो से कनेक्ट करो, जीरो वोल्ट जीरो वोल्ट। ध्यान से देखना बच्चों, मान लो इधर अभी प्लस फाइव वोल्ट है, थोड़ी देर के लिए मान लिया, तो यहां पे मान लीजिए कुछ ड्रॉप कराया, वन वोल्ट टू वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ और जाकर के इधर हो गया मान लीजिए चार वोल्ट, इधर से चार वोल्ट। ये फॉरवर्ड बायस है, पी वाला हायर और एन वाला लोअर, ये भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है। या इधर से प्लस फाइव ही मान लो, अभी ये भी प्लस फाइव वोल्ट, ये भी प्लस फाइव वोल्ट। अभी ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गया, एंड इफ दीज टू डायोड्स आर इन फॉरवर्ड बायस, तो दोनों डायोड एक वायर बन जाएगा। और ये वाई वाला पोर्शन देखो, वो सीधे ग्राउंडेड है। ये वाई वाला पोर्शन क्या है? सीधे ग्राउंडेड है। और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना है? जीरो। वाई क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, कोई दिक्कत? फिर से वापस आइए, ये था मेरा डायोड, ये था मेरा डायोड, फिर से वापस। सेकंड केस देखने के लिए, ए जीरो बी वन, ए को वहीं छोड़ दीजिए और बी को वन से कर दीजिए। ये देखिए, ये 5 वोल्ट यहां आ गया और इधर से भी 5 वोल्ट है और इधर वाला तो जीरो मेंटेन ही है और इधर से प्लस 5 वोल्ट है ही, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, ये नो बायसिंग है, दोनों तरफ 5-5, नो बायसिंग, इससे करंट नहीं जाएगा। लेकिन ये वाला तो वायर बन जाएगा कंडक्टर, और फिर ये वायर सीधे ग्राउंडेड है, जो जीरो है वही जीरो यहां मिलेगा, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी कर ले, ए वन बी जीरो, अब ए को वन और बी को जीरो से, तब भी सेम केस आएगा। अब हम फाइनली चलते हैं, दोनों को अगर हमने वन से कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखिए, ए भी वन बी भी वन, यहां भी प्लस फाइव वोल्ट, यहां भी प्लस फाइव वोल्ट, इधर से भी प्लस फाइव, इधर से भी फाइव, नो बायसिंग, नो बायसिंग, नो बायसिंग, कोई करंट फ्लो करेगा? कोई करंट फ्लो नहीं किया यहां और यहां। जब कोई करंट ही फ्लो नहीं किया तो यहां का पोटेंशियल अब क्या होगा? जो पोटेंशियल ये है वही पोटेंशियल यहां आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो केवीएल चलिए, मान लीजिए करंट इधर फ्लो किया थोड़ी देर के लिए, केवीएल चलिए, यहां से यहां आइए, यहां का पोटेंशियल वी वाई करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस आई इंटू आर, इसका रेसिस्टेंस आर, हायर से लोअर, माइनस फाइव वोल्ट, और कहां पहुंच गए?
एक्स पे, करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, एक्स का पोटेंशियल क्या है जीरो, तो वी वाई बराबर क्या होगा माइनस फाइव उधर जाके प्लस फाइव वोल्ट हो जाए। अगर बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर मान लो इधर 5 वोल्ट है, अगर पूछे यहां का पोटेंशियल कितना होगा अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल का होता है वही इसका पोटेंशियल होता है। तो यहां भी वही सेम चीज है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहां का पोटेंशियल ही यहां मिलेगा और ये भी प्लस 5 वोल्ट मिलेगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ए वन बी वन, तो वाई भी क्या हो जाएगा 1। आपको क्या याद रखना है, डायोड एनालॉगी याद रखना है कि कैसा होता है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा कि और गेट का होता है, जैसा कि और गेट का होता है वैसे ही एंड गेट का होगा, लेकिन डायोड को क्या कर देंगे हम, पलट देंगे। डायोड को क्या कर देंगे, पलट देंगे, यहां पे एक सेल लगा देंगे, अर्थ कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा ए बी, दो डायोड डी वन एंड डी टू, और यहां क्या मिलेगा वाई। एंड नाउ दिस फिगर इज व्हाट, विच गेट, एंड गेट, दिस इज एंड गेट। नाउ कम टू द वेव फॉर्म, द लास्ट पॉइंट इज वेव फॉर्म, दिस इज पॉइंट नंबर 6। अब वेव फॉर्म अगर आप ध्यान से देखोगे, इनपुट आउटपुट ये एक ही जगह वन हुआ है, वन वन वन, बाकी सब जीरो। तो जहां पे वन वन है वहां पे वन कीजिए, वन वन वन, और बाकी सब के लिए क्या होगा, ये जीरो 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 जीरो, नोट इट डाउन।
इज इट डन? तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आज बताइए, व्हाट वी स्टडीड टुडे अबाउट द नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के बाद हमने क्या देखा, लॉजिक गेट्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, सिंपल लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल लॉजिक गेट, दैट इज ऑन एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, जिसमें से हमने आज एंड और पढ़ा. और नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट, जिसमें हम लोग नैंड नॉर एक्सोर एंड एक्सनॉर का स्टडी करेंगे, और साथ में आईसी के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जा करके, है ना, और जो बायो का डिस्कशन है वो बैठ करके करेंगे, है ना. टेस्ट कब है आप लोगों का? कल है आपका टेस्ट. टॉपिक इज लोकोमोशन, तो लोकोमोशन का टेस्ट है बायो का, एनसीईआरटी बेस्ड. कल अच्छे से परफॉर्म कीजिए, परसेंटेज 90s के ऊपर आना चाहिए. ठीक है, 90 के ऊपर परसेंटेज लाने का कोशिश कीजिए, है ना. इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, और हम लोग 11th शायद ख़त्म करने वाले हैं इसी मंथ में, है ना. और एनसीईआरटी 100%, और फिर हम लोग देखेंगे आगे, है ना. फिजिक्स का टेस्ट भी कंडक्ट कर लेते हैं 12th वाले पोर्शन का. कौन कौन सा टॉपिक अभी मुझे बता दीजिएगा, क्या क्या हो गया है? EMW नहीं हुआ अभी तक. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMI हो गया है, AC हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाकी है, और क्या बाकी है? ये वही हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखी है अभी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद क्या पढ़ा है हमने? टेस्ट, हाँ उसका भी ले लेंगे, उसका टेस्ट ले लेंगे, एक प्लान कर लेते हैं अभी. नहीं, लड़ाई क्यों करेगा, फिर पढ़ाएंगे, लड़ना क्या है. और पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए लड़ाई हो तो अच्छी बात है, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा ना लड़ाई. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना. शिवशंकर.